सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही बेहतरीन और मजेदार नान पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बेसन वाला नान भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ यूं इस तरह से हैं कि मैंने एक बाउल जो है वो भरकर बेसन का ले लिया, और एक कप जो है वो मैंने प्याज लिया। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक जो है वो काट लिया है। इसके साथ हमने 2 से 3 मीडियम साइज के आलू लिए, जिनको मैंने बहुत पतला पतला जो है वो कट कर लिया। और मैंने 3 अदद ये नान लिए हैं। इसके बाद 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, आपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, अनारदाना पिसा हुआ 1 चम्मच, सूखा धनिया साबत और पिसा, जोन सा भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं वीडियो में साबत इस्तेमाल करूंगी। ये भी हम 1 से 1.5 चम्मच करेंगे, ये बहुत ही अच्छा जायका देता है। और इसके साथ हमने 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला का लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो चाट मसाला यूज कर सकते हैं। अब ये हो गए हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब हमने इन तमाम चीजों को जो है वो मिक्स करना है। उसके लिए हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें बेसन को जो है वो तैयार करते हैं। चलिए अब हम एक बर्तन लेते हैं, ये देखिए जी। इसके लिए मैंने एक परात ले लिया, परात के अंदर मैं जो है ये बेसन ऐड करूंगी। अब इसके अंदर आलू जाएंगे, प्याज, सुर्ख मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, अनारदाना, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और सूखा धनिया, ये नमक चला गए। अब हम करते हैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स, और साथ में हम यूज करेंगे थोड़ा सा पानी इसको बनाने के लिए। ये मैंने पानी ले लिया है, पहले हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जो इसका बैटर बनाना है ना वो आपने सख्त बनाना है, ये पकौड़ों जैसा नहीं बनाना। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, साथ साथ पानी डालेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बस हम इसमें हल्का सा और पानी डालेंगे। ले जी, ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, नान के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे और फिर ऑयल गर्म करके उसके अंदर ये डालते जाएंगे। चले जी, अब ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया। हमने इस तरह एक नान लेना है, नान के ऊपर सीधी साइड पर इसको अच्छे से जो है वो बिठा लेना है, सेट कर लेना। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा आलू और मसाले प्याज जो है वो थोड़ा ज्यादा डाले हैं, अमूमन जो बाजार वाला होता है उसमें कम होते हैं, तो चूंकि हमने बेचना नहीं है घर पे बनाना है, तो फिर मैंने इसलिए इसकी जो फिलिंग है वो अच्छे से रेडी की है। ये देखें, इसी तरह जो है मैं आप बाकी अपने रेडी करती जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, मैंने नानों को जो है वो अच्छे से मसाला लगा लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है, एक कढ़ाई में मैंने इतना घी डाल लिया जिसमें जो नान है हमारा अच्छे से डिप हो जाए, और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, जैसे ये गर्म होगा तो हम इसको फ्राई करेंगे नानों को। अब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। थोड़ा सा आलू डाल के देखते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है वो गर्म हो चुका है। हमने बहुत तेज ऑयल में ये नहीं डालने, हमने जो है वो नॉर्मल तेल में इसको डालना है, ताकि जो नान है वो जले ना और सख्त ना हो, और इसके साथ जो मसाला है
वो भी हमारा अच्छे से पक जाए। चलिए जी अब इसमें हम डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से हमने इसके अंदर डाल दिया और इसको अब पकाते जाएंगे। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए पकेगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम जो हैं इसको पलटेंगे। इसके लिए आप खमीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं ये हमारा जो नान है वो पककर रेडी हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, जस्ट डिश आउट करना है और इसी तरह मैं बाकी नानों को तैयार करती जाऊंगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरह से जो है हम अपने एक एक करके इसके अंदर नानों को शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये भी सेम उसी तरीके से जैसे ही ये गोल्डन होगा हम इसको डिश आउट करते जाएंगे और इसी तरह मैं सारे नानों को जो है अपने रेडी कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स अब हमारा सेकंड वाला भी रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से आप बाकी के जो हैं वो हम नान जो हैं वो फ्राई कर लेंगे और फिर इसको डिश आउट करने के बाद हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि आज के हमारा ये नान पकौड़ा या बेसन के नान है वो किस तरह और कितने मजे के बने हैं। ये देखें व्यूअर्स हमारे बेसन वाले जो नान है वो पककर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया और आज जो हमने इसको सर्व किया है वो रायते की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। आप कैचअप या इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।